कोलबा जिले के पावर हाउस रोड स्थित एक मकान में सुबह के वक्त भीषण आग लग गई। बता दें कि जिस समय आग लगी, हादसे के समय लोग घर में ही सो रहे थे। तपेश और धुएं का एहसास हुआ तो आनन फानन में घर से निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस मामले में किराएदार जावेद अख्तर ने कहा कि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। जब हम लोग सो के उठे हैं 6:30 बजे, तब तक पूरा आग लग चुका था। उससे पहले क्या हुआ, कैसे आग लगा, ये तो हमको खुद नहीं। कहाँ पर लगी थी, कैसा पता? लास्ट रूम में हम लोग का आग लगा हुआ था। हम लोग बाहर वाले रूम में सोए हुए थे। किस चीज से आग लगी कुछ पता है? कुछ आइडिया नहीं है अभी हम लोग को। कितने लोग रहते हैं? हम लोग दो ही लोग हैं फिलहाल। फिलहाल दो लोग हैं लेकिन रहते 5 लोग हैं हम लोग। खबर मिला, खबर मिलने के बाद हम तत्काल SBDSKM से हम लोग निकले। निकलने के बाद यहाँ हमको सेंट्रल बैंक के पास जो है वहाँ घटना मिली। तो घर में आग लगा हुआ था, तो उसको फायर फाइटिंग करके हम लोग उसको बुझाए, और बुझाने के बाद भी से और कुछ आग लगा हुआ था उसको भी बुझाए, और सिलेंडर था, गद्दा था, तकिया था, ये सब था, और उसमें काबू पाया गया।